You are most welcome in this channel. Please subscribe if you visit first time and press bell icon to get the latest videos from this channel. तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में एक सीट बनाने का. जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं यहाँ लास्ट वीडियो MS एक्सेल में मार्कशीट बनाने की डाल चुका हूँ. अब हम दूसरी एक डाटा सीट बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कंपनी पेरोल सीट. कंपनी में जो हम लोग या फिर सरकारी नौकरी में पुलिस फोर्स में सब में क्या होता है, एक पेरोल सीट बनती है. दैट मीन्स वहाँ पर सैलरी स्लिप बोलते हैं जिसको, एक सैलरी स्लिप बनती है. तो वो बनती कैसे है और हम कंपनी लेवल पर उसको कैसे तैयार करते हैं, क्योंकि कंपनी में एक आदमी तो काम करता नहीं है, 10-20-50 हज़ार भी लोग करते हैं कंपनी में काम. तो उसको हम डाटा को कैसे तैयार करते हैं, वो हम लोग जो सीट बनाएंगे उसको कंपनी सैलरी सीट कहेंगे. ठीक है, उसका नाम रहेगा कंपनी सैलरी सीट. अभी इसके बाद में देखिए मित्रों, तो यहाँ पर एक आपको मैं इम्पोर्टेंट नोटिस दे देता हूँ, सूचना कि अगर जैसे मान लीजिए आप लोग कहीं से भी बिलोंग करते हैं और आप एक कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए. आप लोग यहाँ पर CCC, ADCA, DCA, CCA, एडवांस टैली, एडवांस एक्सेल, आप लोग ये सारे कोर्स कर सकते हैं. आपको जो भी कोर्स चाहिए उसकी सर्टिफिकेट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा. कैसे, आप लोग यहाँ से स्टडी कर लोगे, आपकी समझ में आ जाएगा, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपको सर्टिफिकेट आपके एड्रेस पर सेंड कर दी जाएगी बाई पोस्ट. ओके, उसकी आप लोगों को फीस सबमिट करनी पड़ेगी. कोर्स आप फ्री में कर लोगे लेकिन उसको आप सर्टिफिकेट मात्र आपको 300 रुपये पे करने होंगे और आप वो मेरे द्वारा यहाँ से सर्टिफिकेट आपको ले सकते हो. 300 रुपये प्लस आपको यहाँ पर देना पड़ेगा स्पीड पोस्ट का चार्ज. तो यहाँ पर मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि हम लोग MS Excel में डाटा सीट. सैलरी स्लिप हम लोग कैसे तैयार करते हैं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहां पर वेबसाइट पे. वेबसाइट हमने आपको बताई थी SWMCC. तो आप लोग यहां पर एक बार टाइप कर लेंगे क्या, मैं इस वीडियो के में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे दूंगा आपको इस साइट का. नीचे आप साइट पर लिंक पे जाके यहाँ से इसको पहुँच जाएंगे साइट पर. और साइट पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर टाइप करना है मार्कशीट है, ऐसे करके मार्कशीट टाइप कर देना. और मार्कशीट टाइप करने के बाद ये आपके सामने एक पोस्ट आएगी, इसको आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है. और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ कि ये फर्स्ट तो यहाँ पर मार्कशीट है, इसके बाद में नीचे यहाँ पर ये कंपनी की सैलरी जो है वो है सैलरी इमेज. यहाँ पर क्या करना है आपको, इसी तरीके से ये नाम लिखने हैं और बेसिक सैलरी टाइप करनी है. दैट मींस जरूरी नहीं है कि आप डिक टू करो, मतलब एक एग्जांपल है. फिर यहाँ TA लिखना है, DA लिखना है, HRA लिखना है. तो यहाँ पर क्या करना है कि नाम तो समझ में आ रहा है, बेसिक सैलरी भी समझ में आ रही है जो उसकी प्रारंभिक भुगतान होता है व्यक्ति का. अब ये TA क्या है, तो ये TA होता है ट्रेवलिंग अलाउंसमेंट, यात्रा भत्ता. DA होता है DNS अलाउंसमेंट और महंगाई भत्ता. और HRA होता है हाउस रेंट अलाउंसमेंट, घर का किराया भत्ता. और नेट सैलरी होती है इन सबको मिलाने के बाद इस बंदे को कितना पेमेंट दिया जाएगा. तो यहाँ पर दोस्तों आएंगे Ctrl+R और यहाँ पर आप लोग टाइप कर देंगे एक्सेल. और एक्सेल टाइप करने के बाद ये एक्सेल हमारा यहाँ से आ जाएगा और आप इस तरीके से यहाँ पर ये सीट बना लोगे. नेम लिख लेंगे यहाँ पर, ये बेसिक सैलरी डाल दोगे. मैं सूत्र आपको लगा के दिखाता हूँ अभी. तो यहाँ पर हमको करना है बराबर, और बराबर करने के बाद लिखना है B2. B2 क्यों लिखना है, क्योंकि हमारा जो बेसिक सैलरी है वो B2 में ही है. B बोले तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, B इसको कॉलम, N2 क्या है रो. तो ये जो B है, VCD ये सब क्या है, ये कॉलम है. ये 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये रो हैं. और
ये एक रो और कॉलम मिला के हम लोग जिस पर क्लिक किए वो क्या है, एक सेल है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर बी टू का मेरे को कितना परसेंट देना है। ट्रेवल अलाउंसमेंट में यात्रा भत्ता, जो यात्रा भत्ता है वह बेसिक सैलरी का कितने परसेंट देना है, तो वो मैं स्टार लगा के यहाँ पर मान लो 5% दे रहा हूँ इसको। तो फिर हम लोग इसको बट्टे करके यहाँ पर 100 लिख देंगे, मतलब B2*5Y100। तो यहाँ पर ये 5% इसका निकल के आ जाएगा 10,000 का, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टाइप करेंगे बराबर है, और इक्वल लगाने के बाद फिर भी वो B2 करेंगे B2, ओके। और B2 करने के बाद फिर हम लोग स्टार लगाएंगे, स्टार लगाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कितने परसेंट दे रहे हैं, हम इसको दे रहे हैं यहाँ पर 8%, और अपॉन यहाँ पर हम करेंगे 100 एंड एंटर कर देंगे, तो ये हो गया कितना 800, ठीक। और इसके बाद हमें हम लोग यहाँ पर कर देते हैं इसको 10% HRA को, तो यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद हम B2 टाइप करेंगे, B2 एंड स्टार लगाएंगे और यहाँ पर 10 करेंगे और Y100 और यहाँ पर एंटर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया इसका HRA। तो HRA मतलब घर का किराया भत्ता, और यहाँ महंगाई भत्ता, और ये यात्रा भत्ता, ये इसकी बेसिक सैलरी। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, नेट सैलरी, ठीक है, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, नेट सैलरी के लिए आप क्या करोगे यहाँ पर, नेट सैलरी के लिए हम यहाँ कर देंगे, यहाँ इसको एक फॉर्मूला लाएंगे सम का। तो यहाँ बराबर करेंगे आप लोग, यहाँ टाइप करेंगे सम और कोष्टक स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में यहाँ पर B2 लिखेंगे, और यहाँ पर आप अनुपात का चिन्ह होता है ना ये L के बाद में शिफ्ट दबा के ले लेंगे इसको रेशियो को है। और इसके बाद यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है, B2 से लेके E2 तक जोड़ना है, तो यहाँ पर हम E2 फिर कोष्टक बंद कर देंगे, और इसके बाद में हम लोग करेंगे एंटर, और यहाँ पर इसकी ये नेट सैलरी निकल के आ जाएगी 12,300, समझ रहे हैं सब, 12,300, क्योंकि ये 1,000 और ये 800 और 500 2,300, और ये आपके हो गए साहब 10,000, तो 12,300 हो गए। अब ये तो एक की निकला ही, सब की कैसे निकलेगी, तो यहाँ से इसको आपको क्या करना है, देखो ऐसे करके माउस ले जाना है, ऐसे करके माउस ले जाना है, फिर यहाँ पर ऐसे करके कोने पर ले जाना है, और इसको आप लोग यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके नीचे यहाँ को पुल डाउन कर देना है, तो ये निकल के आ गया इसका। अब इसके बाद DA निकालना है सबका, तो ऐसे पकड़ के इसको खींच दो, यहाँ सबका DA निकल आएगा। HRA निकालना है, तो HRA यहाँ पर सबका निकल आएगा, HRA निकल के आ गया, ठीक है। और इसके बाद में हमको यहाँ पर इसकी सैलरी निकालनी है सबकी, तो वो हम लोग यहाँ से ऐसे करके इसकी सैलरी भी निकाल ली। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर किसी भी बंदे की क्या बना सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एक आदमी की यहाँ पर हम लोग सैलरी नहीं बना रहे, हम लोग पूरी कंपनी स्तर पर काम कर रहे हैं, तो हम कंपनी स्तर की यहाँ पर सैलरी आपको बना के दिखा रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम बताएंगे एक पर्टिकुलर बंदे की हम सैलरी कार्ड कैसे बनाते हैं, उसका कैसे प्रिंट करते हैं सैलरी कार्ड को। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, टेक केयर, मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।